कोट लेडीज टेलर में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। तो आज की शुरुआत करते हैं, जैसे पिक्चर में आपने देखा ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन आज हम बनाने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैनवास पे हमने ये ड्राइंग करके रखा हुआ है, ये देखिए, इसको हम ऐसे काट लेंगे। इसको यहाँ से ठीक है। ये हो गया नेक, अब इसके जो अंदर के पेच होते हैं उसको काट लेंगे। ये ऊपर आएगा, ये नीचे वाला, ये हो गया कटिंग। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले इसको सिलाई लगा के जोड़ देंगे। काट लेंगे। यहां से मोड़ देंगे।
बीच में से ऐसे इतना काट देंगे। ये जो निशान हमारा आएगा उसके साथ ये मिला देंगे यहाँ से ऐसे। ये जो बीच का निशान आता है इसको मिला देंगे। ये निशान अच्छी तरह से मिलना चाहिए वरना गला आगे पीछे हो सकता है। यहाँ से ये निशान मिला देंगे ऐसे। ऐसे काट लेंगे। यहाँ से ऐसे थोड़े कट करेंगे ताकि गला अच्छे से बैठ सके। यहाँ पे ऊपर एक सिलाई लगा दी। तो ये हमारा पूरा गला हो गया तैयार। इस पर पाइपिंग रख, ये पाइपिंग जो हमने बना के रखी हुई है और इसको लगाने के लिए ये चाप हमें बदलनी पड़ेगी, जो कि ये आपको 15-20 रुपये में बाजार में मिल जाएगी। इसको पहले बदलते हैं। ये पाइपिंग ऐसे लगा देंगे। Thank you.
वैसे ही दूसरी तरफ लगाएंगे। तो ये हमारा गला तैयार हो गया पाइपिंग के साथ। अब इसका पैच बनाएंगे। ये पैच को हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे, जोड़ देंगे इसके साथ। जो ये मेन कपड़ा है इसके साथ इसको लगा देंगे। लगा देंगे इसे।
यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये जो सिलाई दिख रही है ना, इसके बाजू में हमें सिलाई लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ताकि इसका माप परफेक्ट आ जाए। तो ये बन गया हमारा एक पेच, इसको हम काट लेंगे। अब ऐसे ही ये दो पेच हम बना लेंगे, जैसे वो पहला वाला बनाया वैसे ही इस दोनों को हमें बनाना है। इसको इस पे पलट देंगे। ये जो सिलाई लगाएंगे ना, ये सिलाई इसके ऊपर नहीं लगानी है, इसके थोड़ी इस तरफ लगानी है, ठीक है। Thank you.
काट लेंगे। ये हो गया एक, फिर दूसरा भी ऐसे ही बनाना है। ये हो गया दो, अब इसमें भी हम पाइपिंग लगा देंगे। फिर ऐसे ही दूसरे में भी। तो ये तीनों पेच हमारे तैयार हो गए। अब इसको इसके ऊपर लगा देंगे, ये जो सिलाई है ना इसके साथ इसको मिला देंगे। ऐसे सिलाई दिखनी नहीं चाहिए, इसके ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको इस पेच के साथ मिला देंगे, यहीं पे ऐसे मिला के। ये जो सिलाई है वो दिखनी नहीं चाहिए, इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये पेच हमारा तैयार हो गया। अब इस पेच को इसके साथ मिला देंगे। कैसे मिलाना है ये देखिए, ये सिलाई है उसके बाजू में, वो सिलाई दिखनी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे मिला के ऐसे। देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी बेहतरीन वीडियोस जो हो वो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप टेलर वर्क में कुछ भी डिज़ाइनिंग या फिर कुछ सीखना चाहते हो तो उसकी जो है कमेंट नीचे ज़रूर कर देना, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।